हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गर्भावस्था में होली कैसे खेले और होली खेलते वक्त क्या सावधानियां बरतें। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना जरूरी होता है, इसमें कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती है। होली जैसे त्योहारों में जहां पे केमिकल युक्त कलर के साथ मस्ती और हुड़दंग कुछ ज्यादा ही होता है, उस दौरान गर्भवती महिलाओं को और सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। एक रिसर्च में ऐसे भी पाया गया है कि होली के बाद महिलाओं के गर्भपात के आंकड़े अचानक बढ़ जाते हैं। ये सुनके घबराए नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप त्योहार चुपचाप बीत जाने दें या फिर त्योहार ना मनाएं। कुछ सावधानियां बरत के आप इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी में होली गर्भस्थ माँ और उसके शिशु के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकती है और इससे बचे कैसे। नंबर 1, होली पर जो रंग इस्तेमाल होते हैं उनमें काफी हानिकारक केमिकल पाए जाते हैं। सिंथेटिक कलर में लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड और डाई और गुलाल में पीसी हुई कांच भी मिलाई जाती है। ऐसे में ये कलर बिल्कुल ही ना खेले, इन कलर से दूर रहे। ऐसे में यदि प्रेग्नेंट महिला केमिकल के रंगों के संपर्क में आती है तो यह केमिकल गर्भवती माँ के लिए और उसके शिशु के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इन कलर के कारण महिला को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इन्फेक्शन का प्रभाव शिशु पर भी पड़ सकता है, जिसके कारण शिशु का वजन कम होना, समय पूर्व डिलीवरी होना और गर्भपात जैसी दिक्कतें भी आ सकती है। इसीलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। नंबर 2, होली में पानी के इस्तेमाल बहुत कॉमन है। पानी के रंग जहाँ बिखरे पड़े होते हैं वहाँ फिसलने का खतरा होता है। पानी में होली खेलने से आपके फिसलने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। यह गर्भवती माँ और उसके होने वाले बच्चे के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में होली खेलते वक्त सूखे कलर से ही होली खेले। नंबर 3, भीड़ से बचे। उत्सव के माहौल में काफी रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, ऐसे में भीड़ और माहौल बन जाता है। भीड़ में शोरगुल और बहस हो सकती है जो आपके और आपके शिशु के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए भीड़ के माहौल से दूर रहें। त्योहार अपने कुछ परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ ही मनाने की कोशिश करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। नंबर 4, नाचने से परहेज करें। अगर ये आपके गर्भावस्था की पहली तिमाही है जिसमें आपने परिवार वालों और दोस्तों को अभी तक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया है, ऐसे उत्सव में और पार्टियों में आपको नाचने के लिए फोर्स कर सकते हैं, पर आपको उनको बड़े स्नेह से मना कर देना है, चाहे किसी को गुस्सा क्यों ना आए। यदि आपकी दूसरी तिमाही खत्म होकर तीसरी तिमाही शुरू हो चुकी है तो इस तिमाही में बिल्कुल नाचना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कितना भी मन रहे, आपको नाचने का आनंद लेना है तो दूसरे लोग नाचते हैं उनका आनंद लीजिए। नंबर 5, तेल और मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। रंग खेलने से पहले अपने शरीर को, यानी जो शरीर खुला है वहाँ पे तेल या फिर अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगा के उसे कवर कर ले। इससे होली के रंग शरीर को तो लगेंगे पर शरीर उसे सोखेगा नहीं और इन्हें छुड़वाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 6, आरामदायक कपड़े पहने। रंग खेलने से पहले कॉटन की फुल बाहे वाली कुर्ती या फिर सलवार या चूड़ीदार पहने, जो कि आपके शरीर के पूरे भाग को ढक के आपको कलर और नुकसानदायक केमिकल से बचाए। कॉटन बाकी कपड़ों के मुकाबले जल्दी रंग सोख लेता है। प्रेगनेंसी में टाइट और फिटिंग के कपड़े पहनना अच्छा निर्णय नहीं है। हाई हील वाली फुटवेयर से बचे और नॉर्मल फुटवेयर का इस्तेमाल करें। नंबर 7, आग से दूर रहे। होली उत्सव में होलिका दहन किया जाता है। जब होलिका का दहन होता है तो आप उससे उचित दूरी पर खड़े रहे। होली किसी खुले स्थान पर जलाई जानी चाहिए जिससे ज्यादा धुआं न हो, वरना आपको घुटन महसूस हो सकती है और घुटन के कारण चक्कर आने की भी संभावना रहती है। इसीलिए होली जलाते वक्त भी सावधानियां बरतें। और एक विशेष बात, होली दहन के वक्त सिंथेटिक कपड़े ना पहनें, कॉटन कपड़े ही इस्तेमाल करें। सिंथेटिक कपड़े ना पहनें, इनमें आग जल्दी पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें। नंबर 8, होली के समय अक्सर भांग और अन्य नशों का सेवन एक आम बात हो जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो इन सब नशे से आपको दूर रहना है। इसके सेवन से आपको चक्कर आना और बेहोशी के कारण बन सकता है। इस नशे का सेवन करने से आपके शिशु के नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भांग नशीली होती है और गर्भवती महिला यदि इसका सेवन करती है तो इससे ब्लड प्रेशर और हृदय गति भी बढ़ जाती है, जिससे समय पूर्व डिलीवरी और बीपी की समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 9,
खाने पीने का ध्यान रखें। होली में रंग खेलने के अलावा गर्भवती महिलाओं को खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑयली फूड आपका हाजमा बिगड़ सकता है। ठंडा या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से परहेज करें। रंग लगे हुए हाथों से मिठाई ना खाएं। किसी कारण भी शरीर के अंदर केमिकल न जाए। हो सके तो पानी की बॉटल अपने साथ लेके रखें, ताकि कंटेमिनेटेड पानी भी शरीर के अंदर न जाए। तो दोस्तों, अगर इन बताई हुई बातों का ध्यान रखें तो आप अपनी होली जरूर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो गर्भावस्था और होली अगर आपको पसंद आई है तो ऐसी जानकारी के लिए और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हैप्पी होली एंड सेफ होली। धन्यवाद।